उत्तराखंड के खटीमा में अपने अंतिम संस्कार के सातवें दिन मृतक मिला जिंदा। कुछ ऐसा ही वाक्या हुआ है। उत्तराखंड की सीमांत विधानसभा खटीमा के ग्रामीण क्षेत्र श्रीपुर बिचुबा के रहने वाले नवीन भट्ट के साथ, जो कि बीते 1.5 साल से अपने घर से लापता था। 7 दिन पूर्व नवीन के पिता धर्मानंद भट्ट को सूचना मिली कि उनके पुत्र नवीन भट्ट की डेड बॉडी सुशीला तिवारी अस्पताल में है। खबर को सुनकर परिवार में हड़कंप मच गया। आनन फानन में परिजन हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचकर नवीन की डेड बॉडी को घर ले आए। मेरे को तो अभी अच्छा ही लगा है बाबू, मेरा बेटा मेरी साथ है। मतलब इसी शक्ल से वहाँ मिली तो उस समय ले आए उसको, उसका अंतिम संस्कार जैसे करते हैं करा हमने। तो सातवें दिन मेरा लड़के का फोन आया, वहाँ से वीडियो कॉल करी किसी ने, तो छोटे वाले ने कहा इधर आओ। हमने कहा क्या है, वो तो जिंदा है, कहाँ से अरे तू ऐसी बात क्यों करता है। फिर उसने इधर उधर करके वीडियो कॉल करी तो इसकी फ़ोटो दिखी उसमें। मैंने कहा नवीन, हाँ कहा इसने मेरे से पहला ईजा कहा। मैंने बाबू तूने क्या हुआ है, तू तो मर गया, हमने तो ये तेरे लड़के की फ़ोटो दी, ऐसे बाल हाल काट के ये घर में बैठे हैं ऐसे कहा। फिर इसने वो फोन में बात नहीं की, तेरे को पता नहीं था मेरा लड़का कहाँ है, शक्ल कैसी है करके। तो बाबू मैंने कहा वही था, वही शक्ल थी, तब हम लाए, नहीं तो क्यों लाते हम। इसमें मेरे को यही है कि मतलब मेरा लड़का सही सलामत मतलब जो मेरे को मिल गया, इसमें तो मेरे को खुशी है। जो ये अपोजिट इन्होंने जो ये कार्रवाई की, ये कैसे हुआ क्या हुआ, इसके लिए मेरे को काफ़ी दुख है। और जो मैंने किया वो तो अब आप लोग ही जानो कि मतलब अच्छा किया या मैंने बुरा किया। उसको मैं आया तो उसका मैंने संस्कार भी किया, हर चीज़ वो किया। बच्चा मेरा लड़का मेरे को पास आ गया तो इसमें मेरे को खुशी है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।